सो व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, वी वर टॉकिंग अबाउट कि पर्टिकुलर जगह का ब्रिटिशर्स को, आई मीन पर्टिकुलर व्हाट, बंगाल का उन लोगों को रेवेन्यू कलेक्ट करने का राइट मिल गया, ठीक है. और बार्टर सिस्टम उन लोगों ने ख़त्म कर दिया. उन्होंने कहा कि जो आप फार्मर्स हैं, आप लोगों को कैश में ही आपका रेवेन्यू, सॉरी, आपको अपना टैक्स भरना होगा, ठीक है. एंड फिक्स कर दिया गया टैक्स. फार्मर्स को ना फोर्स किया जाता था कि वो पॉपी, कॉटन एंड इंडिगो. पॉपी इज़ खसखस, खसखस कॉटन और इंडिगो इज़ नील. इन्हीं चीज़ों को उगाएं. क्यों? क्यों इंस्टेड ऑफ व्हीट और राइस. इन ये क्या थे, ये बहुत ही क्रूशियल बोलिए या महंगे क्रॉप होते थे, महंगी फसल होती थी खसखस, कॉटन और नील की, ठीक है. तो राइस और व्हीट की जगह पे वो इनको यही चीज़ें उगाने के लिए फोर्स करते थे, सो दैट दे कैन इम्पोर्ट दीज थिंग्स टू देयर कंट्रीज एंड उनको महंगे में बेच सके, ठीक है. सो नाउ द ब्रिटिश कुड बाई गुड्स इन इंडिया एंड एक्सपोर्ट देम विदाउट इम्पोर्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स फ्रॉम ब्रिटेन. अब क्या था भाई, बंगाल को उन्होंने जीत लिया था, तो अब उनको बस सीधा यहाँ से इम्पोर्ट करना था. इन चीज़ों को उगवाते थे हमारे ही देश में और यहाँ से एक पैसा नहीं देते थे, गोल्ड या सिल्वर कॉइन्स नहीं देते थे, सिर्फ इस सामान को यहाँ से इम्पोर्ट करा देते थे अपने कंट्री में फॉर सेलिंग अदर्स. बंगाल बिकम परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी टू फाइनेंस ऑल इट्स कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर, टू मेंटेन एन आर्मी एंड टू बाय प्रोडक्ट्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम, ठीक है. तो बंगाल क्या बन गया, उनका परमानेंट इनकम का सोर्स बन गया, जहाँ से वो पैसा इकट्ठा करते थे और लड़ाइयाँ, मतलब अपने को बेसिकली मजबूत करने के लिए, कैसे मजबूत होते थे, अपनी आर्मी को मजबूत करते थे और यहाँ से टैक्स, सॉरी सामान, इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट सामान यहाँ से अपने देश भेज दिया करते थे. तो धीरे धीरे क्या हुआ, खोखला होता गया एक तरीके से बंगाल, है ना, और बिखर गया. आर्टिशंस, क्राफ्टमैन, विविंग स्टार्टेड लिविंग द बंगाल. और जब आर्टिशंस जो आर्ट आर्ट बनाते थे, विविंग बुनाई करते थे, क्राफ्टमैन क्राफ्ट करते थे, इन लोगों को क्या हुआ, इन लोगों के पास पैसा कम होने लगा, क्योंकि इन लोगों को काम कम मिलने लगा, है ना. और ये धीरे धीरे इन चीज़ों, इन जगहों को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने लगे. और क्यों, क्योंकि इन लोगों को फोर्स किया जाता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सस्ते दामों पे अपना बनाया हुआ सामान बेचें. सो ऑल्सो हैविंग टू पे, और टैक्स बहुत ज़्यादा फार्मर्स के ऊपर लगने लगा था. उससे क्या होने लगा था, फार्मर्स की जो लाइफ थी वो बहुत ख़राब होने लगी थी. क्यों? क्योंकि बेचारों के पास इतना पैसा होता नहीं था, इतनी उनकी इनकम नहीं थी, या थी भी तो उनको बहुत बड़ा एक अमाउंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होता था. So what happened later on? It was then the company realized that the investment land and agriculture had to be restored. तो फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बंगाल इतना रिच था और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, वहाँ की इकोनॉमी ख़राब होने लगी. तो समझ में आया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हमें यहाँ की जो लैंड है उसको तो बचाना ही होगा, उसको रिस्टोर करना होगा. अगर नहीं करेंगे तो ये हम आगे ट्रेड नहीं कर पाएंगे, है ना, वो खसखस और ये सब खेती कैसे कर पाएंगे जब यहाँ की लैंड ही बर्बाद हो जाएगी. तो ठीक है, इसको देखते हुए इन लोगों ने कुछ नंबर ऑफ टैक्स सिस्टम्स बनाए. ठीक है, सबसे पहला जो था, अब क्या क्या थे, और इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया परमानेंट सेटलमेंट, रोटवारी सिस्टम एंड द महलवारी सिस्टम. सबसे पहला पढ़ते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल. ठीक है, व्हाट यू मीन बाय परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल, इसमें क्या था, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवेलिस, लॉर्ड कॉर्नवेलिस यहाँ के कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवेलिस एक तरीके से समझ लीजिए इस जगह को देखने के लिए, देख रेख के लिए यहाँ गवर्नर, एक तरीके से गवर्नर बोल दीजिए, उस टाइम पर गवर्नर होते थे. तो इनको प्रोविंस बंगाल दे दिया गया और इन्होंने एक नया यहाँ पर निकाला, स्कीम निकाले, जिसको नाम दिया गया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल. ठीक है, इट वॉज, और इसको कहाँ तक, धीरे धीरे इसको कहाँ तक फैला दिया गया, बिहार, उड़ीसा, नॉर्थ मद्रास, बंगाल तक, वाराणसी तक. ठीक है, इसको कहा, इसको जमींदारी सिस्टम भी बोला गया. इस सिस्टम में क्या हुआ है, सिस्टम की वजह से जो राजा, जो जो पुराने राजा थे, उन्हीं को बोल दिया गया कि ठीक है भाई, आप लोगों को हम ये पर्टिकुलर पीस ऑफ अ लैंड दे रहे हैं और यहाँ से जितना भी रेवेन्यू होगा वो आपको इकट्ठा करके
हमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना होगा। बेसिकली उन्होंने अपना काम न, अपने ऊपर सीधी बात ना लेकर हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को अपने लोग अपने खुद के देश के लोगों को प्रताड़ित करने के लिए ये काम दिया कि आप लोगों को हम यहाँ का ज़िम्मेदार बना रहे और आप लोगों को हमें इस पूरी जगह से जो टैक्स है वो इकट्ठा करके देना होगा। जो टैक्स था वो फिक्स था, तो कुछ पर्टिकुलर अमाउंट तो इन ज़िम्मेदारों को इनको देना ही था, ब्रिटिशर्स को सबमिट करना ही था, है ना। और इन लोगों को ये भी डर था कि अगर हम जितना टैक्स बोला गया है अगर हम इकट्ठा नहीं करा कर देंगे तो क्या होगा, हमसे हमारी लैंड को छीन लिया जाएगा। ठीक, तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हुए, ज़मींदार्स ने फोर्स और अपने ही देश के लोगों को और परेशानी में डालना शुरू कर दिया, उन्होंने और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद के ही लोगों के लिए क्रिएट करनी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि उनको अपनी भी नौकरी बचानी थी और साथ में ही उनको और पैसा भी कमाना था। तो जितना इस सिस्टम की वजह से पता है क्या होने लगा कि जितना तो टैक्स इन लोगों को बोला गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सबमिट करने के लिए, उसके ऊपर ऊपर पैसा कमाने के लिए इन लोगों ने उनको और परेशान करना शुरू कर दिया। और ठीक है कि जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो बोला आपको 50 रुपीज़ देने, इन्होंने बोला नहीं 55 देने, 5 रुपीज़ दे विल कीप, लेकिन बर्डन किसके ऊपर आया, बेचारे फार्मर्स की वजह से। ठीक है, और इससे क्या हुआ, एग्रीकल्चर बहुत बुरी तरीके से अफेक्ट होने लगा। क्यों? क्योंकि जो पीजेंट्स की जो फार्मर्स की लैंड थी वो धीरे धीरे जब वो नहीं भरते थे तो उनकी लैंड उनसे छीन ली जाती थी, क्योंकि वो मनी लेंडर्स से पैसे लेते थे अपनी लैंड पे, अपनी एग्रीकल्चर पे फसल उगाने के लिए, उनके पास देवर शॉर्ट ऑफ मनी, है ना। लेकिन और जब वो पैसा नहीं चुका पाए तो वो जो लैंड होती थी वो किसके पास चली जाती थी, वो मनी लेंडर्स के पास चली जाती थी।